ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्जवल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ करंट अफेयर का सेशन, जो आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को, कौन कौन से कंटेंट्स हमारे सामने हैं आज। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, सदगुरु ने कर्म अ योगीज गाइड टू क्रिएटिव योर ओन डेस्टिनी नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक के लिखने वाले का ऑर्थर जो है वो है सदगुरु। ठीक है, जितने भी बुक्स होती हैं वो एग्जामिनेशंस का पार्ट रहती ही रहती हैं, और ये बुक्स को आप एक जगह कलेक्ट करके उनका एक नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक तो रोमिला थापर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो एक इतिहासकार हैं, और इनकी एक न्यू बुक हमारे सामने आई है वॉइस ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ये बुक का नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसकी राइटर हैं रोमिला थापर। नेक्स्ट हमारे सामने न्यूज़ है, रेलवे ने 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण की योजना बनाई है। तो देखिए, इसमें जैसे कि हमारा जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें रेलवे से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही, और ये हमारे सामने रेलवे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रेलवे ने 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण की योजना बनाई है। नेक्स्ट हमारे सामने है न्यूज़, विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जा रहा है, और इसकी थीम क्या रखी गई है, थीम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जितने भी डे ऑब्जर्व किए जाते हैं उनके साथ साथ सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट, और ये जो हमारा समुद्री दिवस है वर्ल्ड मैरिटाइम डे, ये लास्ट थर्सडे ऑफ सेप्टेम्बर, मतलब ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो जिस भी डेट को आए। नेक्स्ट है, पूर्वी भारतीय महासागर क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास पासेक्स चल रहा है। मतलब कि पासेक्स जो है वो नौसेना का अभियान है, ठीक है, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, और जो अभी फ़िलहाल में महासागर क्षेत्र में चल रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया है। जितने भी ये सब मिसाइल्स के परीक्षण होते हैं वो मैक्सिमम चांदीपुर उड़ीसा से ही किया जाता है, तो एक तो ये हो गया कि पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है, और ये स्वदेशी विकसित परमाणु सक्षम वाली मिसाइल है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, एक स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का DRDO द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये DRDO द्वारा किया गया है और इसका परीक्षण महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है हमारे सामने, रेल राज्य मंत्री और कर्नाटक के भाजपा सांसद सुरेश अंगड़ी का हाल ही में निधन हो गया। वह कर्नाटक के बेलगावी से सांसद थे। ठीक है, तो ये करंट का है जिनका भी डेथ हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कर्नाटक के भाजपा सांसद सुरेश अंगड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। वो कर्नाटक के बेलगावी से सांसद थे, और ये किस, मतलब कौन से मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो मोक्ष कलश योजना किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान। नेक्स्ट है, यातायात विभाग का आधुनिकीकरण करते हुए केरल सरकार ने ई चालान प्रणाली शुरू की है। यातायात विभाग का आधुनिकीकरण, ठीक है, किससे संबंधित है ये,
केरल से, और केरल ने क्या किया इसके संबंध में ई चालान प्रणाली विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कोलकाता में शुरू की जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो लाइब्रेरी हमारे सामने दिख रही है, ये जो ट्रॉम लाइब्रेरी है मतलब गाड़ी पे चलती हुई लाइब्रेरी, तो ये पहली बार ऐसा होगा जो कोलकाता में शुरू होगा। नेक्स्ट है, इजराइल और भारत ने तकनीकी नवाचार में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इजराइल एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट इन टेक इनोवेशन। इनोवेशन के क्षेत्र में समझौता हुआ है इजराइल और भारत के बीच में। देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इजराइल स्टार्टअप नेशन सेंट्रल एंड इंडियाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी टू इनिशिएट अ बायलेटरल प्रोग्राम टू एक्सेलरेट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि स्टार्टअप जितनी भी कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप नेशन सेंट्रल किसी भी मतलब हमारे सेंट्रल लेवल पे जो स्टार्टिंग की जा रही है कोई भी टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन हो उसके क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए इजराइल और भारत के साथ दोनों का एक बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, सीमांचला डैश को कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सलाहकार नियुक्त किया गया है, मतलब IMF के कार्यकारी निदेशक सीमांचला डैश को वहाँ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के सूरत से खुशी चिंदलिया को हाल ही में UNEP द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UNEP का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए जो राजदूत है वो गुजरात के सूरत से खुशी चिंदलिया को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे सामने है, देखिए हमारी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर जो कि इसके प्रीवियस वीडियो में भी था, तो इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं जो आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप इसे रिवाइज़ करते रहें कंटिन्यू, तो ये आपके माइंड में रहेगी। और मुख्यालय किसी भी संगठन का एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आप इसे क्लियर कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड आपके जो भी आपके कमेंट्स हों उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।